थी और जौने समय गिरफ्तार करे पर जो वह समय बाकी जमात पीछे ना हट लग और तब बाबा भीमराव धीरे धीरे काफी दिन बीत गई है बाबा भीमराव तब अल और जाकर के वह संविधान के लिखलन और जब संविधान कहा जाता की उंगली न उठावे के चाहिए इसी उंगली पर उठाकर इसी उंगली पर महाभारत भी हुआ है। बाबा साहब भीमराव आकर के उन्होंने इस संविधान को रचने का काम किया और बाबा साहब जब संविधान को रचने बच्चे उस समय क्योंकि अपना देश पहले के जमाने में लोग अपने देश में इतना छुआछूत था कि लोग एक दूसरे के पास तक नहीं बैठते थे। अपने हुए साधन नकद होते धरती से एक ही सिद्धा का पुरस्कार बहुत दूर पहले खुला लेकिन पंचो इधर जब बाबा साहब संविधान के रचने लग तब पढ़ाई लोग स्कूल में आजकल डिग्री कॉलेज कॉलेज में जाकर कर रहा लेकिन बाबा साहब जो कि स्कूल में जाकर नहीं बल्कि खिड़कियों से देख करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और खिड़कियों से देख करके उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अपने देश को आजाद करवाई छुआछूत को मिटाया और जिसकी वजह से शायद आज हम और आप एक हैं और आपस में भाईचारा है नहीं तो पहले लोग कमर में झाड़ू और हांडी बन के चले अरे जितना युवक और विकास से असंत विकास से असंत नौ युवक विकास नौ युवक अम्बेडकर नौ युवक अम्बेडकर विकास से असंत और ये देखिए आप राजनाथ यादव पुराने बाड़ा की गलती से 101 रुपया का पुरस्कार दे गया राजकुमार का लेकिन पंचो जिस अपने इस अपने संविधान को रच दिया और इधर गौर करिए जो बाकी जमात था उसे सजा सुना दी गई फांसी की और वो हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी पर मिल गया और आज लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर को क्यों पहला पद देते हैं क्योंकि अगर अपने देश में एक छुआछूत मिटा लोग अगर बहन बेटियां अपने घर से निकल रही है सुरक्षित है तो किसी और की देनी नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव की देना है जो भी छूत को मिटाया और अपने घर को और बेटियों को रहने का एक दर्जा दिलाया आखिरी रहने का छुट को मिटा दिए और सिर्फ यही तक बात नहीं अगर बाबा साहब की गणना की जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी शाम से सुबह हो जाएगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा हमारे देश के लिए कर गए जो कि सरकार चाहे जो है पर वो कभी नहीं कर सकता जो कि हमारे बाबा साहब कर गए बस उन्हें सिर्फ अपने खुशी का मतलब है कि हमें कौन सी कुर्सी मिल जाएगी उन्हें ये नहीं है कि हमारे देश में हो क्या रहा है उससे मतलब नहीं है बस उनका कुर्सी बरकरार रहे इससे मतलब है और बाबा साहब एक हर इंसान जिन्हें अपनी कुर्सी से नहीं बल्कि अपने देश से प्यार था अपने जगहों में प्यार था आइए काफी बैठे Thank you.